गोरखपुर संसदीय लोकसभा उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एनएसएस के छात्रों ने गुरुवार को चेतना तिराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 11 मार्च को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में लोगों को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना प्रोफेसर शरद मिश्र ने कहा, गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने वाली छात्रा प्रीति विश्वकर्मा ने कहा, सरकार आई अपन वाली करी हमने। अच्छा अच्छा स्कूल में तो आधार कटवा वो बात कर बटुका हो प्रोफेसर हूँ और राष्ट्रीय सेवा योजना का समन्वयक हूँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आज हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। आगामी लोकसभा उपचुनाव जो गोरखपुर में होने हैं, हमारी जो इच्छा है कि शत प्रतिशत मतदान हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, बहनें निकलें, माँ निकलें, भाई निकलें, अपना काम छोड़ करके पहली बात निकलें घर अपने घर से और मतदान करें, ताकि हम एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ अग्रसर हों। इसलिए गोरखपुर की जनता को हम जागरूक बना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबको समझा रहे हैं, यदि हमें स्वस्थ लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो हमें अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें एक नागरिक के रूप में इस देश में हमें मिला हुआ है। मेरा नाम प्रीति विश्वकर्मा है और हम भवानी प्रसाद पांडे पीजी कॉलेज करीम नगर चरगावा से आए हुए हैं। यहाँ हमने मतदान जागरूकता से संबंधित एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत की और सभी को प्रेरित किया और सभी को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दिलाए कि वो सभी जाएं और जाकर के मतदान करें और अपने अधिकार को प्रयोग करें।